नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट में प्रदूषण जांच केंद्र का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी मिलने वाला है। तो और फ्रेंड, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर बिना पॉल्यूशन पेपर का पकड़ाता है तो फ्रेंड्स आपको 10,000 रुपये तक फाइन आपको लग सकता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि अभी के समय में जितने भी प्रदूषण जांच केंद्र है वहाँ पे जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर के बड़े बड़े लाइनें आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे वो पॉल्यूशन पेपर अपने गाड़ी का बना रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप भी पॉल्यूशन जांच केंद्र ओपन करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, इसका मैं लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर यहां पे आप पॉल्यूशन जांच केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो यहां पे कौन कौन से लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत ही रूमर्स फैला हुआ है कि अगर आपको पॉल्यूशन जांच केंद्र ओपन करना है तो इसके लिए आपके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोटर मैकेनिक है या ऑटो मैकेनिक है या अगर आपने ITI कर रखा है तो तभी जो है आपको यहां पे पॉल्यूशन जांच केंद्र ओपन करने के लिए दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपल डिप्लोमा भी किए हैं या ग्रेजुएट भी किए हैं तो फ्रेंड्स आप जो है पॉल्यूशन जांच केंद्र ओपन करके जो है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसके लिए क्या एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा और हम लोग इसको कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया में जो है आपको यहाँ पे लेंथ अगर देखें तो आपको 2.5 मीटर लगने वाला है और उसकी चौड़ाई देखें तो 2 मीटर का लगेगा और उसका जो हाइट है 2 मीटर का लगेगा। तो मेनली आपको इतना ही एरिया का रिक्वायरमेंट है प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप प्रदूषण जांच केंद्र कहां कहां ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किसका बनाएंगे, टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का। तो यहां पे आपको ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जहां पे डेली बेसिस पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर का आवागमन ज्यादा हो। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट लोकेशन जो है पेट्रोल पंप के साइड में। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप जहां पे भी एग्जिस्ट करता है तो आप उसको साइड में जो है प्रदूषण जांच केंद्र ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिटीज में भी ओपन कर सकते हैं, वहां पर भी जो है आपका प्रदूषण जांच केंद्र अच्छा चलने वाला है। इसके अलावा हाईवे पे बहुत जगह पे पेट्रोल पंप होते हैं तो आप उस पेट्रोल पंप पे जो है एक छोटा सा जगह लेके जो है आप प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करेंगे तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आपके पास में एरिया होना चाहिए और उस एरिया में जो है आपको पूरा शेडिंग करके जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा, पूरा एक केबिन जैसा। और आपको उस केबिन के अंदर जो है बहुत सारे एसेसरीज जो है आपको परचेस करने पड़ेंगे, जैसे वहां पे आपको USB वेबकैम परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जो है आपको वहां पे अरेंज करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए जो है इन्वर्टर भी वहां पे परचेस करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको एक इक्विपमेंट परचेस करना पड़ेगा, स्मोक या गैस एनालाइजर जो कि RIA अप्रूव्ड हो, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपको A4 पेपर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेनली ये सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है अगर आप प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटिटी में जो है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आप आधार कार्ड ही एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटिटी में जो है यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी कर लिया है, मैंने एप्लीकेशन करते वक्त जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि टेक्निकल सर्टिफिकेट का भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट में ऐसे ही रूमर्स फैला हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल डिप्लोमा या ग्रेजुएट भी है तो फ्रेंड्स आप प्रदूषण जांच केंद्र के लिए एप्लीकेशन यहां पे करके जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर। और मैं बता दूं कि यहां पे आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 साल के लिए इशू किया जाएगा, 1 साल के बाद जो है आप अपने लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा वो पहले बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है आपको एप्लीकेशन फी में लगेगा। फ्रेंड्स, यहां पे जो एप्लीकेशन फी है ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रदूषण जांच केंद्र के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में 10,000 रुपये एप्लीकेशन फी है। अगर आप बिहार की बात करें तो फ्रेंड्स बिहार में 1,000 रुपये एप्लीकेशन फी है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो फ्रेंड्स दिल्ली में कुछ और ही मिलेगा, यूपी के लिए हो सकता है कुछ और हो, या इसके अलावा आप किसी भी स्टेट में तो फ्रेंड्स वहां पे अलग अलग फीस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक 10,000 रुपए पकड़ के चलूंगा कि यहां पे आपको
एप्लीकेशन फी मुझे 10,000 रुपये लगने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने जो एप्लीकेशन किया वो बिहार के लिए किया है। मैं बता दूँ बिहार अररिया के लिए मैंने एक एप्लीकेशन किया है क्लाइंट का अपना, ठीक है ना। उसके लिए जो एप्लीकेशन फी है 1,000 रुपये ही मात्र लगे हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट है, आप जो भी एरिया लेंगे तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा या डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, तो मैंने 50,000 रुपये कंसिडर किया है, ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रमाइसिस आपने परचेस किया होगा तो वहाँ पे जो है आपको एक केबिन टाइप डेवलप करना पड़ेगा, उसमें पेंट भी करवाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने 30,000 रुपये कंसिडर किया है इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको कंप्यूटर प्रिंटर यूएसबी वेबकैम, इसके अलावा A4 साइज का पेपर आपको परचेस करना पड़ेगा, देन इसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने 50,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है तो आपको इन्वर्टर परचेस करने में लग जाएगा, तो इन्वर्टर के लिए यहाँ पे टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है यहाँ पे कितने एज का इन्वर्टर परचेस करते हैं, बट मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स परचेस करने पड़ेंगे, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्मोक या गैस एनालाइजर आपको परचेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट दिखाया है। फ्रेंड्स ये आप इक्विपमेंट जो है कम में भी परचेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक अच्छा वाला इक्विपमेंट परचेस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो है आपको 30,000 रुपये खर्च आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेट जो है आपका 2,00,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, अगर आप प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो। तो अब हम बात करेंगे कि आप प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करके आप मंथली कितना कमा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका बिजनेस है ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके लोकेशन में कितने लोग जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आ रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक एवरेज जो है डेली का 10 कंसीडर करके चलेंगे कि 5 जो है 2-व्हीलर आएंगे और 5 जो है 4-व्हीलर करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2-व्हीलर का बनाने के लिए जो है आप 100 रुपये चार्ज करेंगे और 4-व्हीलर का बनाने के लिए जो है 150 रुपये चार्ज करेंगे। तो अगर डेली का 5 2-व्हीलर कंसिडर करें तो आपको 2-व्हीलर से जो है 500 रुपये आने वाला, और अगर आप 4-व्हीलर की बात करें तो आपको 4-व्हीलर से जो है 750 रुपये आने वाला। तो इसके हिसाब से जो आपका पर डे का इनकम है 1,250 रुपये होगा, तो इसको आप मंथली में कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स 37,500 के आसपास आने वाला है। यहाँ पे मैं एक एवरेज कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है ये बोलना गलत नहीं है कि फ्रेंड्स आप इस बिजनेस से मंथली जो है 50,000 तक जो है आप कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस लोकेशन में जो है प्रदूषण जांच केंद्र ओपन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करना है तो इसके लिए जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस पेज पे आना पड़ेगा, मैं इस पेज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट के लिए प्रदूषण जांच केंद्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बिहार के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे अपना दूसरा स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑफिस आया, यानी कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अररिया सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे PUC एप्लीकेशन ID आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे PUC सेंटर नेम जो है आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप अपने PUC सेंटर का क्या नाम देना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि जो भी प्रोवाइडर होगा तो उसका नाम आपको देना है, ठीक है। इसके बाद PUC सेंटर का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड जो भी आप पॉल्यूशन यूनिट सेंटर बनाएंगे फ्रेंड्स उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे पिन कोड के साथ में एड्रेस आपको दे देना है। देन इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ऑफिस नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है, ठीक है ना, ऑथराइज पर्सन का। जब ये आप दे देंगे तो इसके बाद यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिएगा, तो आप यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, पासवर्ड आप यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मांगेगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको इसको फिल करने के लिए, क्लियर। इसके बाद जो है यहाँ पे मशीन टाइप बोला गया है, तो यहाँ पे मशीन टाइप में जो है यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस टाइप का मशीन यहाँ पे आप परचेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टी गैस एनालाइजर यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं पेट्रोल CNG और LPG के लिए। तो यहाँ पे ऑपेसिटी मीटर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर का नाम, मशीन मॉडल, मशीन अप्रूवल टाइप और मशीन सीरियल नंबर आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहाँ से निकालेंगे मशीन का नाम। देख रहे हैं यहाँ पे मशीन टाइप, मैन्युफैक्चर नेम सारे चीज़ दिए गए, तो आप यहाँ सारे चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ईयर वाइजर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे भरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट के पास उसी कंपनी का है। तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मॉडल नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मशीन अप्रूवल टाइप में जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जब आप मशीन अप्रूवल टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आपका अप्रूवल एजेंसी और अप्रूविंग डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाने वाला है, ठीक है। मशीन सीरियल नंबर आपको लिखना है, तो मशीन सीरियल नंबर जो भी होगा आपको यहाँ मेंशन करना है। मशीन सीरियल नंबर लिखने के बाद जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर ईयर आपको लेना पड़ेगा, तो
तो यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर 2022 है वो दे देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन डिटेल्स है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको फिल ना ही करें वही ठीक रहेगा, ठीक है। बीएस नॉम यानी कि कौन से बीएस का आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे BS6 का लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। और AMC डेट जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो AMC डेट है आपको एक साल के लिए दिया जाता है, जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उससे एक साल के लिए जो है आपका यहाँ पे वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मशीन कैलिब्रेशन फॉर्म, तो फ्रेंड्स ये जो है 4 महीने के लिए रहता है, यानी कि जो भी मशीन कैलिब्रेशन है वो 4 महीने के बाद आपको अपडेट भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 4 महीने का यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट जो है 1000 रुपया है, मैंने आपको बताया था बिहार के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आप झारखंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। ऐसे डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करें, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ अलग ही एप्लीकेशन फ़ी हो, ठीक है। यहाँ पे जो है पेमेंट टाइप काउंटर पेमेंट लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे काउंटर पेमेंट मैं करूँगा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है बट यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है, जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आएगा PUC एप्लीकेशन सेव लिखा है और एप्लीकेशन ID यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, क्लियर। देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सिंपल जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले जो है आपको ये एप्लीकेशन आईडी जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। तो अब जो है मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर लूँगा और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर, तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी आपको फिल करना है और ये सिक्योरिटी आपको इसमें फिल करना है, फिर इसके बाद व्यू एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन जो है पूरा आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइज देखना है कि कितने साइज का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे जो आपका टाइप है, यानी कि पहले डॉक्यूमेंट टाइप देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप में PNG, JPG, JPEG और PDF ओनली चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है 199 KB का आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगर ओवर का फाइल होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ में आपको लगने वाला है। एड्रेस प्रूफ में क्या देंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड में सेलेक्ट करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप पे डिपेंड करता है क्या आप सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, आधार कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा, ये नंबर आप यहाँ पे दे देंगे और इसके बाद यहाँ से अपलोड कर देंगे आप आधार कार्ड। इसके बाद जो है एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटिटी में कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पैन नंबर दूंगा, तो पैन सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पैन नंबर आपको लिख देना और यहाँ पे अपलोड कर देना चूज फाइल में, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे क्या आप देंगे डॉक्यूमेंट वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड ही दूंगा और यहाँ पे आधार नंबर डालूंगा और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटिटी में जो है यहाँ पे आप क्या अपलोड करना चाहेंगे वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे GST नंबर सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा और यहाँ पे GST नंबर डालूंगा और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, क्लियर। यहाँ पे देख रहे सारे डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, अब जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा देख रहे हैं यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपका अपलोड हो चुका है, आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा, देख रहे हैं फाइल्ड अपलोड सक्सेसफुली आ रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी दिया गया है और यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, अगर जो भी अपलोड नहीं हो वो आपको दिखाएगा भी, ठीक है। बट यहाँ पे सारा अपलोड हो चुका है इसलिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो है अब आपको जो है इसको क्रॉस कर देना है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर चलना है एप्लीकेशन स्लिप में, ठीक है। चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ये सिक्योरिटी यहाँ फिल करेंगे, व्यू एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन स्लिप है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट में जाना है, अगर पेमेंट करना है ऑनलाइन तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और ये सिक्योरिटी यहाँ फिल करके आपको व्यू एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल मेरा आ चुका है, PUC सेंटर नेम आ चुका है, स्टेट आ चुका है, एड्रेस, ऑफिस सारा चीज़ दिखा रहा है, पेमेंट भी यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरे एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन दोनों सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आता है, इसके बाद जहाँ पे भी आपने एरिया लिया हो तो उस लोकेशन का इंस्पेक्शन किया जाएगा यहाँ पे परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। ये जो टीम है आपके रीजनल ऑफिस से आते हैं, ठीक है, मैं ये क्लेरिफाई कर देता हूँ। और जब आपका वेरिफिकेशन यानी कि जब आपका एरिया का इंस्पेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है आपको लाइसेंस इशू किया जाता है प्रदूषण जांच केंद्र चलाने के लिए। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में 30 दिनों का समय लग जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सका। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद।